गाइज वेलकम बैक टू द चैनल टेक शो। तो आज के इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सीरियस एक प्रॉब्लम है गाइज बहुत सारे लोगों को आ रही है, जो कि स्टेटस रहता है आपके व्हाट्सएप का, तो यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट के अलावा भी कोई देख सकता है आपका। तो इसे कैसे फिक्स करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए और ध्यान से देखिएगा, अगर आप स्किप करेंगे वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर मुझको DM आया था बहुत सारे लोगों का कि जो व्हाट्सअप का स्टेटस होता है, तो अगर आप रखते हैं व्हाट्सअप का स्टेटस तो यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स के अलावा भी यहाँ पर आपको नंबर शो करता है, अदर नंबर शो करता है कि उसने भी आपका जो स्टेटस है वो देख लिया है बढ़कर, जैसे आप व्हाट्सअप का स्टेटस रखते हैं। तो इसे कैसे फिक्स करना है बताऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना होगा इस वीडियो को, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना होगा, आपको GB व्हाट्सअप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और अदर मॉडेड व्हाट्सअप जैसे कि GB व्हाट्सअप है, FM व्हाट्सअप है, तो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको जो प्ले स्टोर पर है व्हाट्सअप, आपको इसे ही यूज़ करना होगा, और वो भी अपडेटेड वर्जन यूज़ करना है गाइस। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको व्हाट्सअप में जाके स्टेटस में जाना होगा, स्टेटस की प्राइवेसी सेटिंग में जाना होगा। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, एक मरतबा माई कॉन्टैक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ कॉन्टैक्ट्स को आपके, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक मतलब आप ये सेटिंग आपको बदल देना है, माई कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर ओनली शेयर विथ करके आप जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके फ्रेंड्स हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और आपको याद रखना होगा ये ऑप्शन आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि ये कैसा होता है, जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स के अलावा जितने भी बंदे रहेंगे उन्हें यहाँ पर आपको नंबर जाएगा, आपका जो व्हाट्सअप स्टेटस है वो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपके कॉन्टैक्ट के अलावा नंबर जितने भी रहेंगे उन्हें आपका स्टेटस शो करेगा, आपको ये चीज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाना होगा, यहाँ से आपको रिफ़्रेश कर लेना है, जिससे यहाँ पर कॉन्टैक्ट रिफ़्रेश हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा गाइस, आपको व्हाट्सअप को होल्ड करना है और ऐप इन्फो में चल जाना है, या फिर आप फ़ोन की सेटिंग में जाइए, ऐप्स में जाइए, और यहाँ पर व्हाट्सअप में आ जाइए, स्टोरेज में जाइए, और यहाँ पर आपको क्लिक यूज कर लेना होगा जिससे लोड कम हो जाएगा, और बैक आ जाइए, एक मतलब लास्ट में आपको रिस्टार्ट कर लेना है फ़ोन को, जिससे आपकी प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।